कितने दिखाइए हेलो करो पहले हेलो क्या हो गया बाल देखे गर्मी कितनी हो रही है बाल छूट गया तो बांधती नहीं मेरी इसमें खेल ले ये बाहर गिट्टी और होता है इन्हें बाल लोग बेटे देख ऊपर को देख बाल दिख रहे देख हाँ दिख रहे सामने ऐसे खड़े ना बहाओ बेटा अच्छी तरीके से कंघा कर और क्या लगाना बेटा छुट्टी अभी मैं छल्ला है तो नहीं कोई छल्ला तो नहीं है कोई भी पलीमा से लूं हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल पाखी फैमिली व्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है तो आज दिन है संडे और संडे का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं और डेट है आज 23 तारीख है क्या है हाँ आज है 23 तारीख और मुझे जो है वो वापस जाना है दिल्ली जाऊंगी मैं 26 तारीख को 25 तारीख को जाने वाली थी पर कुछ ऐसा ही काम आ गया 25 तारीख को नहीं जा सकती हूँ 26 तारीख को जाएंगे और 25 तारीख को आ जाएंगे गौरव जी लेने तो उन्हीं के साथ में जाऊंगी क्योंकि बहुत सारा सामान हो जाता है ले जाने के लिए और बैग भी और मतलब जो भी ख़रीदारी की है कल मैं गई थी बाज़ार में सामान लेने के लिए जो कपड़े वपड़े लाने थे वो सब और आज कुछ मम्मी गई थी बाज़ार जो सामान बाकी का सामान रह गया था वही सब लेने तो जो सामान मतलब मैंने लिया है क्या ख़रीदारी की है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी दिल्ली जा कर के यहाँ नहीं दिखाऊंगी क्योंकि फिर कमेंट यही आते हैं कि आप अपने मायके से क्या लेकर के आई हैं क्या मिला है तो इसलिए मैं यहाँ नहीं दिखा रही हूँ जो भी सामान था पैकिंग नहीं हुई है मेरी अभी पैकिंग अभी बाकी है कपड़े तो मेरे डेली के प्रेस होके लग ही जाते हैं पर जो भी सामान वामान जो भी लगाना है वो मैं लगाऊंगी 25 तारीख को क्योंकि फिर भी रह ही जाता है और जो सामान मंगवाया है वो भी मैं सारा डब्बे वब्बे में अच्छी तरीके से उसको पैक कर लूँ क्योंकि दूर ले जाना होता है और गाड़ी में वैसे सामान जाएगा तो थोड़ी सी वो हो जाती है तो अच्छी तरीके से उनको बांध बांध के पैक करना होगा और आज हमारे घर में बन रही है चाट में बनेंगे आज पतासे हैं और क्या क्या है हाँ मटर वाली चाट है और क्या है मूंग की दाल वाली पकौड़ी है जो वे पानी में डाल करके मूंग की दाल के पकौड़ी की चाट बनती है वही कल मतलब परसों में दाल भिगोई थी दाल भी और मटर भी कल नहीं बन पाई क्योंकि कल वही इमरजेंसी हो गई थी वो वहाँ पे चली गई थी फिर वो सारा सामान जो है वो ऐसे ही हो जाता तो फिर आज बना रहे हैं और सुबह से मतलब इसी सब काम में लगे हुए हैं कल दाल वाल पीसनी सारा काम अभी बाकी है जो कि अब स्टार्ट होगा और मतलब पूरा दिन इन सब चीज़ों में लग ही जाता है इन सब चीज़ों को तैयार करने में टाइम लगता ही है इतना आसान नहीं है बनाना छोटी छोटी चीज़ बनानी खटाई बनानी पापड़ी बनानी मूंग की दाल की पकौड़ी बनानी पतासे बनाने और चटनी बनानी तो बहुत सारा टाइम लग जाता है और जो पतासे हैं वो तो जो मतलब तेल में ही डाल के पकाए जाते हैं वो वाले मंगा लेंगे उससे आसानी हो जाएगी बनाने में तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा और मुझे आप लोगों से करनी है एक बात शेयर तो ये व्लॉग पूरा देखें एंड तक देखें अच्छा लगे तो लाइक कर दें और मुझे आप लोगों की राय जाननी है उस बारे में मुझे आप मतलब आप लोगों से एक बात पूछनी है मुझे किन किन लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं तो मैंने सोचा कि जो हाँ ना का जो भी होगा मैं मतलब जो भी है मैं आप लोगों से पूछूंगी आप फिर उस पर यस और नो का रिप्लाई मुझे दे देना तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना लाइक ज़रूर कर देना तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हो रही है मूंग दाल की पकौड़ी बनने की तैयारी और मूंग की दाल जो भिगोई हुई रखी थी उसको पीसना है और मिक्सी में ज़्यादा बारीक नहीं करना है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं पर ज़्यादा बारीक नहीं करना है और जब ये पीस जाएगी तो इसको हम किसी उसमें डाल लेंगे किसी टोकरे में या मतलब कटोरे में या उसमें जिस बड़ा सा वो ले लेंगे और इसको ये छोटा ग्लास है बड़े ग्लास में नहीं पीसी भाभी ने तो छोटा ग्लास है क्योंकि वो बड़े वाला जो जूस वाला होता है तो छोटे में ही अच्छे से पीस जाएंगी ये और यहाँ पर मैंने मशीन रखी हुई है क्योंकि मैं सिल रही हूँ आज भाभी की कुर्ती कल मैंने सिली थी अपनी और एक काट करके रख दी थी वो मैंने सिल ली है ये है भाभी की तो आज मैंने दोपहर में दो कुर्ती सिली है क्योंकि भाभी भी अपना काम कर रही हैं बहुत सारा काम हो जाता है आप समझ ही सकते हो
कई तरह की चाट है, मटर चाट है, पापड़ी चाट है, मूंग दाल पकौड़ी वाली चाट है और गोलगप्पे हैं, कई सारी वो है, तो उनमें भी टाइम जाता है। मैंने सोचा कि चलो मैं कुर्ती सी लेती हूँ, और मुझे ज़्यादा टाइम इसलिए मिल गया क्योंकि मुझे वैसे तो कुछ काम है नहीं। जब मेरी इच्छा होती है, जब मैं काम करने लग जाती हूँ, और आज हम दोपहरी में सोए नहीं थे, मम्मी गई हुई थी बाज़ार सामान लेने, और अभी मैं गाय का गोबर उठा रही हूँ, उसने कर दिया तो फिर उसके नीचे सारे में फैल जाएगा, और हमारे यहाँ हाथों से ही उठाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, बचपन से ऐसे ही करते आए हैं। और यहाँ पर बन रही है मूँग दाल की पकौड़ी, ये तैयार हो गया था बैटर, इस बैटर में थोड़ा सा नमक डालना है बस, और इसकी पकौड़ी उतार लेनी है, फिर इनको उतार करके पानी में डाल देंगे और फिर इनको फ्रिज में रख देंगे जिससे कि ये ठंडी हो जाए। और भाभी तो चम्मच से भी उतार रही हैं, अगर आप चाहो तो हाथों से भी उतार सकते हो। और इंडक्शन पे ही उन्होंने दोपहर में सारा काम जो था वो फिनिश कर लिया था, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों में टाइम जाता है, टाइम लगता है, इजी नहीं होता है बनाना, पूरा दिन लग गया, आप यकीन मानोगे पूरा दिन लग गया ये हर तरीके की चाट बनाने में। तो अभी ये पकौड़ी बन रही हैं और मैं भाभी कर रहे हैं यहाँ पर मटर साफ़, जो कि भिगो के रखी हुई थी, क्योंकि इनको साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो इसलिए पता नहीं कुछ अंदर है तो नहीं क्या है, तो हम अच्छे तरीके से इनको साफ़ करके और फिर उबलने के लिए रख देंगे। निकट गए इसके ऐसे छाने गए। अच्छा थाली, मैंने सोचा मैं कल यहाँ स्लेब पर रख दी थी, खैर नहीं पानी। अच्छा अब इसका इसकी बनाएंगे क्या बनाएंगे? खटाई सूंट। आज हमारे घर में टेस्टी टेस्टी खाना बनेगा। अयो यो भी यो चाट के लिए अलग अलग बनेगा, चाट के लिए तो ऐसे ही पानी बनेगा ना, ये तो इसमें रिफाइंड है। अरे कोई बात नहीं, यो उसका आटा ना, पानी के पटाखों का इसमें हमने क्या मिलाया है, क्या क्या मिलाया है? सूजी और आटे को मिक्स करके। अच्छा और इसमें कुकर में क्या मटर क्या कह रही क्या कह रहे थे क्या करना है इसका? इसमें वो तो नहीं है बिल्कुल भी, धोली तो नहीं बढ़िया, थोड़े दिखाई है बेटा, धोल के इसके मुंह पे ना डालियो बिल्कुल भी। मैंने लगाई हुई है मशीन, कपड़े हो गए हैं बहुत ज़्यादा, कल भी वॉश नहीं हुए थे तो आज मशीन लगा ली है। मैं इसमें से कपड़े छाट रही हूँ, जिसका कलर निकलता है वो अलग और जिनका कलर नहीं निकलता है वो अलग, जो हाथों से वॉश होने हैं वो अलग, तो मैं अलग अलग कपड़े छाट रही हूँ और मशीन लगा दूँगी, साथ के साथ मैं कपड़े भी धुलते रहेंगे, बाकी काम भी होते रहेंगे। और इस टाइम में ही शाम के टाइम में ही मशीन लगाते हैं, सुबह के टाइम में नहीं, क्योंकि बहुत तेज़ धूप होती है बाहर, तो धूप में कपड़े वॉश नहीं हो पाते हैं, इसीलिए यहाँ पर डाल लेते हैं शाम को। शाम को रात रात में कपड़े सारे अच्छी तरीके से सूख जाते हैं। तो मम्मी ने बाहर पानी चला दिया है और मैं भर रही हूँ मशीन में पानी, और मैं ये बोल रही कि कॉमेडी हो गई, बोर्ड लगाया नहीं, प्लग लगाया नहीं, मैं कह रही मशीन तो चल ही नहीं रही, भाभी कह रही मशीन कहाँ से चलेगी, आपने प्लग तो लगाया ही नहीं, और मैं प्लग लगाना भूल ही गई और मशीन चलाने लगी, पागलपंती हो गई आज तो। और ये है जामुन, ताऊ ने जी ने दी थी, तो ये जामुन है, तो मैं इनको इसमें से निकाल रही हूँ, पानी भर के लाई थी मम्मी बाहर से ही, और इसमें हम नमक डाल करके खाएंगे जामुन, बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत टाइम बाद, आप यकीन मानोगे बहुत टाइम बाद मैं आज जामुन खा रही हूँ। वहाँ पर शहरों में मिलती तो है पर कभी मोन लेके मैंने नहीं खाई है, वही बातें याद आती थी कि अपने घर कैसे हम ऐसे पेड़ों पे से तोड़ तोड़ के खाते थे, और यहाँ पर मोल की लेनी पड़ेगी।
और यहाँ पर बना रहे हैं पतासे और पापड़ी, दोनों चीज़ नहीं पतासे नहीं सॉरी पापड़ी, क्योंकि पतासे तो हम वो वाले मंगा लेंगे पैकेट वाले और उनको तेल में तल लेंगे, क्योंकि पतासे घर अच्छे नहीं बन पाते हैं और जितने अच्छे से वो आते हैं उनमें टाइम कम लगता है, इतना टाइम नहीं है कि हर चीज़ ऐसे बनाएं। और जो कपड़े सुखा लिए हैं उनको मैं डाल दूँगी तार पर, और आज बहुत सारे कपड़े हो गए थे तो मुझे कुछ ऊपर डालकाने आने पड़ेंगे, यानी कि छत पर कुछ इधर उधर ही डाल दूंगी, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, क्योंकि रात को अच्छी खासी हवा चलती है तो उसमें ये सूख जाएंगे आसानी से। और मैं हमारा जो ये एरिया है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, इसमें बहुत ज़्यादा हरियाली है, ग्रीनरी कितनी अच्छी है, और मेरी नज़र ना लगे इन पौधों को, ये पौधे इतने अच्छे लगते हैं, वाकई सच में बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे इन्हें देख करके बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और जो बाकी के कपड़े हैं उनको भी मैं पानी में को निकाल लूँगी और फिर मशीन में सुखाने के लिए डाल दूँगी। अच्छे तो पापड़ी पापड़ी इन पे वो तो ढक देती पानी का कपड़ा, इनका बड़ा ढक रखा था भी बड़ा नहीं, पानी के कपड़े से नु क्या हो जाती क्या पापड़ी ये तो ऐसी बन गई जैसी मोल की हो चटनी इस पे इसकी चटनी बनेगी हरी, इतना तेल होने का तो होगा कभी तो चटनी बना दी इन तो मैं गैस चला के अस्पताल पे तो अभी मैं कुछ कपड़े रह गए थे वो मैं ऊपर डालने आई थी, मशीन लगाई हुई है कपड़े धुल रहे हैं, आज मशीन मैंने लगाई और ऊपर बहुत अच्छी हवा चल रही है, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे भी, तो मैं कपड़े डालने आई थी ऊपर, कुछ डल जाते हैं पर जिस दिन ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना तो उस दिन छत पर ही डालने पड़ते हैं, और मतलब चाट वाट का काम जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, और मैंने आज मशीन रखी हुई थी तो आज मैंने दो कुर्ती सी ली हैं, एक कुर्ती अपनी सी ली है और एक भाभी की सी ली है, एक मैंने काट करके रख ली है उसको मैं सिलूंगी कल में, और आज दोपहर में मशीन का काम भी हुआ और वो सोई नहीं, मैं भी नहीं सोई और भाभी भी नहीं सोई, क्योंकि वो अपना काम करी थी मैं अपना काम करी थी, क्योंकि मेरा अब सिलाई का काम हो गया है, पहले नहीं था, मतलब पहले से माइंड में ही नहीं आया कि जब मेरे पास यहाँ पर टाइम है तो मैं इतना अपनी कुर्ती सिल लेती हूँ, पर जब मेरे माइंड में ये बात आई नहीं तब अब तक तो मेरी सारी वो हो ही जाती, बेफालतू में फिर वहाँ पर सिलाई देनी पड़ती है, तो पैसा फूकने में कोई वो नहीं है, इतना पैसा नहीं है मेरे पास कि बेफालतू में फूकूँ, वहाँ पर तो मुझे इसलिए सिलवाने पड़ते हैं क्योंकि टाइम नहीं होता है ना, तो इसलिए सिलवाने पड़ते हैं। और अभी मैंने जस्ट दो तीन बार मैं बाल बांध चुकी हूँ, दो तीन बार बहा चुकी हूँ, पता नहीं बालों में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब वो होता है ना खुरदुरे से हो रहे हैं, दो तीन बार बहा चुकी हूँ, बहुत ही रूखे रूखे से बाल हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं अपने सिर पर ना ऑयल नहीं लगा सकती क्योंकि डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि आप अपने हेयर्स पर ऑयल मतलब आप अपने बालों पर तेल मत लगाना, क्योंकि मेरी स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा ऑयली है और फेस पर भी फिर बहुत ज़्यादा तेल तेल सा आ जाता है, और बहुत ज़्यादा रूखे रूखे से पता नहीं क्या बहुत ख़राब से बाल हो रखे हैं बहुत ही ज़्यादा। और अभी बस नीचे ऐसे ही कपड़े उपड़ों का काम चल रहा है, सारा धुलाई उलाई का काम चल रहा है, और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करोगे, वैसे भी मैं आप लोगों से इतनी अच्छी तरीके से बात करती हूँ, मैं ऐसा कुछ दिखा भी नहीं रही हूँ, पता नहीं लोगों के मन में ये क्वेश्चन कहाँ से इतने सारे आ रहे हैं, मुझे इस बात का नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, मैं सोचती हूँ बैठ करके, मैं अपनी वीडियो देखती हूँ पहले के ही उसमें तो मुझे लगता है मतलब चेंज इतना आया है कि पहले मुझसे बोला नहीं जाता था, मैं ठीक ठाक से बोल लेती हूँ बस, पर लोगों ने उस चीज़ का भी हवा बना दिया है, कुछ लोगों ने सबने नहीं कुछ लोगों ने
मुझे समझ में ये नहीं आता यार, आप लोग तो मुझे बहुत कम टाइम से जानते हो। अगर आपको नहीं अच्छी लगती आप मुझे सजेशन दे सकते हो, आप लोग मुझे बोल सकते हो कि दीदी ये चीज़ ऐसे अच्छी नहीं लगती, आप ऐसे दिखाइए, तो मैं उस चीज़ की तो कोशिश कर सकती हूँ, पर और चीज़ों की कैसे मैं अपने आप को कैसे बदलूँ वो समझ में नहीं आता। अपने आप को तो इंसान नहीं बदल सकता ना, मतलब मैं आप लोगों से भी बातें करती हूँ है तो नहीं होगी पापा बाड़ों पे झटका मार रहे बाड़ों पे ऐसा झटका, अगर बिजली का तार छेड़ेगा ना तो बाड़ों पे वो झटका लगेगा, बिजली झटका लगेगा। अब धोती शैम्पू से घबरू भाई मिठू लाल आता दुद्धू में रखा है, आता दुद्धू में रखा है, पट्टू ने दुद्धू में रखी है आज। दुद्धू किन्ने में आज मुझे बता पहले, किसने पिया है आज दूध? मिठू लाल है, मिठू लाल मिली कुछ रोटी? मिली रोटी? रोटी मिल गई? क्या पी रहा था? कोल्ड ड्रिंक दिखाइए, बेचारा पानी पी रहा और कोल्ड ड्रिंक बता रहा। एक बेचारे को कोल्ड ड्रिंक भी नहीं थी किसी ने, किन्होंने पीली सारे। क्या खाओगा तू तो आज? क्या क्या चाट बस, और दूध और बनेंगे पानी पता से नहीं बनेंगे, गोलगप्पे बनेंगे, गोलगप्पे मामी पे। ये कहीं की मास्टर जी का हां ले बना दे। हां हलवाई बन जाओ, डांस करके दिखाइए, बढ़िया सा डांस करके दिखा। देख फिर तेरे तू वीडियो में आऊंगा, दिखाइए फिर तेरे पापा भी देखेंगे। आजा मेरी तू कह रहा आजा मेरी कविता और यहाँ पर बना रही हैं भाभी खटाई इमली वाली, तो उसमें से इन्होंने भिगो करके सारे बीज और वो निकाल दिए। मैंने सोचा कि नीचे कुछ भी नहीं है, पर उन्होंने थाली रखी हुई थी और इसको अच्छी तरीके बड़ी छन्नी में अच्छी तरीके से छन जाता है ना कि छोटी छन्नी में, तो इन्होंने सारा वो निकाल लिया है। और इसमें अब थोड़ा सा जो आमचूर पाउडर होता है वो भी, इसको सब चीज़ों को मिक्स करके इसमें तड़का लगाएंगी और फिर इसमें शायद मीठा डलता है, कच्चा मीठा डाल देंगी। तो दो तरीके की रखी हुई है, ये अलग है और वो अलग है। ये पापड़ी वाली बोल रही थी शायद, मुझे नहीं पता। और इसमें रखा हुआ है रिफाइंड, मैंने सोचा कि इसमें भी कुछ बना करके रखा हुआ है तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और ये आटा बनाया हुआ है पापड़ी का, सूजी और आटे को मिक्स करके। और यहाँ पर मक्खी बहुत ज़्यादा आती है, सब चीज़ों को ढक करके रखना पड़ता है। और भाभी ने फिर दोबारा बोला कि आप दिखा दो कि इसको किस
किस किस चीज़ों से मिलकर बनाया है मैंने सोचा कि चलो फिर से बता देती हूँ। और इस कुकर में रखी हुई है मटर उबलने के लिए, तो करीब करीब सब चीज़ें जो हैं वो रेडी ही हैं। और ये मांटू आई है बाहर से भाग करके, वो शिकायत कर रही है कि मेरी कोई सीसी ले रहा है। इस सीसी के ऊपर दो दिन से बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है बच्चों की आपस में ही। एक खेल मिल जाता है ना बच्चों का, तो वही आपस में पता नहीं इसके इसमें सर्फ डाल के गुब्बारे बनाए जा रहे हैं। भी टाइम आया है वीडियो को एंड करने का। और मुझे एक बात बताइए आप लोग, क्या मुझ में घमंड आ गया है? प्लीज़ सोच करके आंसर देना, क्या मुझ में घमंड आ गया है? क्या कहीं से लगता है आपको कि मुझ में घमंड है? कुछ लोग मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि आप में अब घमंड आ गया है। किस चीज़ का घमंड है? मतलब सीधा सीधा यही बोलते हैं कि किस चीज़ का घमंड है। और मतलब इनकी वीडियो कोई नहीं देखेगा, इनके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो। ये बोलती हुई इरिटेट करती हैं, और बोलना तो आता नहीं, आ गई हैं यूट्यूब पर वीडियो बनाने। और बहुत इससे भी हद से जाकर के भी लोग पर्सनली इतना टॉर्चर करते हैं, इतना गंदा गंदा कमेंट करते हैं कि बोलना ना ज़रूरी हो जाता है। आप लोग सही बोलते हो कि इग्नोर करें, एक हद तक इग्नोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पर एक बात बताइए, जो मैं हूँ ही नहीं, क्या आप लोगों को लगता है कि मुझ में घमंड है? और अगर मेरी आवाज़ अच्छी नहीं लगती, मैं इरिटेट करती हूँ, और ख़ुद तो बोलने की तमीज़ है नहीं, वीडियो पर वीडियो बनाने आ गई, अब ये भी वीडियो बनाएगी, और बहुत ऐसी ऐसी बातें हैं और जो मैं मतलब बता भी नहीं सकती आप लोगों को कि लोग किस हद तक बोलते हैं। अब आप लोग एक बात बताइए कि बोलना नहीं आता, आवाज़ ऐसी है, भगवान ने दी है यार शकल सूरत, खुद की शकल ऐसी है, खुद का चेहरा तो ठीक होता नहीं, कितनी गंदी लगती है देखने में। आप एक बात बताइए, क्या किसी ये भगवान ने दिया है भूरा काला आवाज़? ये सब भगवान की देन है, इसमें इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है, आप लोग तो जानते ही हो। क्या मेरी गलती है इसमें कोई? और बहुत लोग प्यार करते हैं यार, बहुत लोग इतना प्यार करते हैं, इतनी मेरी आवाज़ को लेकर के लोग इतना अच्छा अच्छा बोलते हैं कि दी आपकी आवाज़ हमें बहुत अच्छी लगती है, और आपकी आवाज़ बिल्कुल देसी है, और मतलब बहुत कुछ लोगों को पसंद आता है। पर कुछ चुनिंदा लोग ऐसे होते हैं वो कुछ भी बोल करके निकल जाते हैं, उनको एक सेकंड लगता है कमेंट करने में, पर उनको ये नहीं पता कि उनकी इन चीज़ों को पढ़ करके सामने वाला कितना दुखी हो सकता है। मुझे कभी कभी यकीन ही नहीं होता कि लोग क्या क्या सोच लेते हैं जिन्होंने मुझे, आप लोगों ने पर्सनली देखा नहीं है, जानते नहीं हो, एक वीडियो के थ्रू ही आप लोग मुझे जानते हो, इतना जज आप कैसे कर लेते हो? घमंड, घमंड नाम का शब्द ही सुन करके मुझे बहुत वो हुआ कि किस चीज़ का घमंड यार? मेरे पास तो ऐसा कुछ है भी नहीं जिस चीज़ का मैं घमंड करूँ। मैं सुंदर नहीं हूँ, इस चीज़ का घमंड नहीं कर सकती, और मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं इस चीज़ का घमंड नहीं कर सकती। तो लोगों ने ऐसा क्या देख लिया कि मुझ में घमंड आ गया है? अभी तो मेरे पास कुछ है भी नहीं, अगर मैंने कुछ कर भी लिया तो आप लोग तो पता नहीं यार क्या बोल जाओगे। और कुछ ही लोग हैं ये हर तरह का कमेंट करके निकल जाते हैं, इग्नोर करते हैं, पर किसी हद तक इग्नोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हर चीज़ इग्नोर की जाए, हमारी भी कुछ मतलब दिल को ठेस पहुंचती है, कुछ तो वो है ना, बुरा तो लगता ही है। और हमारे पास ये है जिसके ज़रिए हम बोल देते हैं, थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है आप लोगों से बातें करके, क्योंकि आप लोग मेरे रियल फ्रेंड्स हो, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, इतना प्यार करते हो, तो आप लोगों को बोल करके मेरा मन हल्का हो जाता है बस। और कोई कुछ कर नहीं सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती, आप लोग नहीं कुछ भी कर सकते इस बारे में, लोगों का काम है जो बोलना है वो बोलेंगे ही। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ लाइक करने के लिए, क्योंकि आप जब लाइक कर देते हो तो आपको पता ही है कि मुझे कितनी खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, मेरी पूरी वीडियो बनाने की जो मेहनत है वो सफल हो जाती है आपके एक लाइक से। तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करना, मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।